और एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं बैतूल से। बड़ी खबर, बैतूल की मुलताई में दोबारा डाली जा रही है वोट। चार मतदान केंद्रों पर मतदान चल रहा है। दोपहर 3 बजे तक करीब 68% मतदान हो चुका है। ईवीएम वाली बस में आपको याद होगा आग लग गई थी, जिसके बाद ईवीएम मशीन खराब हो गई थी और फिर से मतदान कराने का फैसला लिया गया था। तो ईवीएम वाली बस में आग लगी। बैतूल से बड़ी खबर, बैतूल के मुलताई में दोबारा डाले जा रहे हैं वोट। चार मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है। दोपहर 3 बजे तक करीब 68% मतदान हो चुका है। ईवीएम वाली बस में आग लगने से ये बड़ा हादसा हुआ था। ईवीएम मशीन खराब हो गई थी और दोबारा से मतदान कराने का निर्णय लिया गया था। तो चार मतदान केंद्रों में मतदान हो रहा है। सुबह से ही मतदान शुरू हो गया था और अब तक 68% मतदान हो चुका है, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। बैतूल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 3 बजे तक करीब 68% मतदान हुआ था। तो बैतूल जहां तीसरे चरण में मतदान हुआ और वहां पर ये खबर सामने आई थी, 3 बजे तक 68% वोट डल चुके हैं। संसदीय सीट मुलताई की हम बात कर रहे हैं। मुलताई विधानसभा क्षेत्र के चार मतदान केंद्र जहां पुनर्मतदान हो रहा है। दोपहर 3 बजे तक 68% मतदान हो चुका है। तो अब तक 3037 में से 2063 मतदाता वोट डाल चुके हैं, ये भी आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। मुलताई के मतदान केंद्र 275 रजापुर में शासकीय हाई स्कूल, 276 रैयत में राजकीय एकीकृत उच्च विद्यालय और शासकीय नवीन प्राथमिक शाला भवन, इसके अलावा चिखली माल शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय में सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। तो लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के तीसरे चरण में यानी कि 7 मई को बैतूल सीट पर वोट डाले गए थे। यहां से ईवीएम और मतदान कर्मियों को लेकर लौट रही बस में रात करीब 11 बजे आग लग गई थी। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। हादसा साईखेड़ा थाना क्षेत्र के सोनोरा गोला के पास रात 11 बजे हुआ था। पीठासीन अधिकारी मुन्नालाल ने जानकारी दी थी कि 6 मतदान केंद्रों के कर्मचारी इसमें सवार थे और फिर उसके बाद ये फैसला लिया गया था कि एक बार फिर से मतदान होंगे। और वाजिद हमारे संवाददाता बैतूल से ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। वाजिद जरा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि अभी 3 बजे तक की जो रिपोर्ट सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि 68% मतदान हो चुका है, 5 बज चुके हैं, अपडेट जरा बताइएगा। मैम अभी तक के लगभग 70% वोटिंग हो चुकी है। सुबह के टाइम बहुत अच्छी यहाँ पर वोटिंग हुई है, करीबन 40-50% सवेरे 10 बजे तक के यहाँ पर मतदान हो चुके हैं। और एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पर ये थी कि मैम जो भी दोबारा मैं मतदान करने आए हैं उनमें एक उत्साह था। ये ऐसा नहीं कि 7 मई की मतदान कर चुके थे तो अब उनमें उत्साह नहीं है, बिल्कुल बहुत उत्साह था। और सुबह बिल्कुल आप यकीन नहीं मानेंगे 7 बजे काफी लंबी लाइन थी मतदाताओं। बिल्कुल, तो इसके लिए क्या जागरूकता अभियान वगैरह कुछ चलाया गया था? ये भी जरा वाजिद वाजिद ये भी जरा जानकारी दीजिएगा, एड ऑन करिएगा कि 5 बजे तक अगर हम 7 मई की बात करें तीसरे चरण की, तो कितना मतदान प्रतिशत बताया जा रहा था और अभी क्योंकि 70% बताया जा रहा है तो कितना अंतर था दोनों में? लगभग हम बात करें तो करीबन 15-20% का अंतर आया है चुनाव मतदान में। आज जो वोटिंग हुई है, आज वोटिंग बढ़ी है। अच्छा, आज वोटिंग बढ़ी है, ये तो ये अच्छी बात है कि जागरूकता अभियान का यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर मैं अभी की बात करूँ तो अभी भी लाइनें लगी हुई दिखाई दे रही हैं? नहीं, लाइनें तो नहीं है, मगर इक्का दुक्का एक दो जन मगर कंटिन्यू चालू है, मतदाता आ जरूर रहे हैं और एक एक दो दो करके मतदान कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अच्छी बारिश के लिए अनुष्ठान